बेइज्जती, मोटी बेइज्जती। जो फॉर्च्यूनर गाड़ी ना ये बेकार है, सही बिल्कुल ही बेकार है सर। धक्के से ही काम होता है इधर। ओ आयु कहाँ है जो जो संभाल लियो अब यू। जो ऑटोमेटिक है बच्चों वाला खेल हम चलाते हैं, गियर वाली गाड़ी यार। बोलने का तरीका होना चाहिए पहले भाई। भाई कल थोड़ी गाड़ी तो छोड़ी ना, छोड़ परे यार। कितने सुबह तू भी कैसे निकालता है, ठीक है? हरियाणा के बंदे, मेरे जीजू भी हरियाणा के हैं, रोहतक के, ठीक है? अरे मेरे को मत सिखा, तू गाड़ी सिखाना, देख लेंगे आप पकड़। ए भाई हेलो भाई, मैं पवार। हम फिलहाल पहुंच चुके हैं भाई मनाली अपनी फॉर्च्यूनर को लेके, और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो पड़ी हुई है भाई। तो यहाँ पे पहुंच तो गए थे भाई, थोड़ा रेस्ट किया, आप चलते हैं शाम को, थोड़ा एक्सप्लोर भी करते हैं मनाली, गाड़ी निकालते हैं। मेन तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती है, घुसा तो दी होटल की पार्किंग के अंदर, बट स्नो इतनी है, देखते निकलती नहीं निकलती। भाई जाना ही है नीचे, अर्जेंट कुछ काम है यार, खा पी भी आएंगे और घूम भी लेंगे। पहले फॉर्च्यूनर को निकालते हैं, लेकिन उससे पहले इनोवा फंसी पड़ी है पीछे, इसका निकालने का थोड़ा सिस्टम रहेगा, फिर अपनी को निकाल के चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं मनाली कैसे है। रात में अच्छी भी ना टावर, हम पता ना कौन सी जगह आ गए हम इतनी ऊपर ओल्ड मनाली में। भाई क्या लगता है हमारी गाड़ी भाई एक बार में जाएगी वो तो पक्की। भाई तू अंडर कॉन्फिडेंट अपनी गाड़ी को लेके, बस अब हम अपनी गाड़ी देखे निकले ना निकले। एक्चुअली हमको भाई खाने पीने जाना है रात को। आगे फॉर्च्यूनर भाई नकली फॉर्च्यूनर है भाई। एक तो ना किसी को फॉर्च्यूनर देख के विश्वास नहीं होता कि ये 4x4 है या 4x2 है। अब ये भैया जैसे होटल वाले हैं, अब ये खुद ही लग रहे हैं इसमें भाई पचावट करने। निकल जाएगी भाई फॉर्च्यूनर? सर मैंने तीन गाड़ियां निकाली सेम ऐसी। अच्छा जी 4x2 सेम ऐसी, चलो देखते। सेम ऐसी का मतलब 4x4 ये नहीं पता 4x2 है 4x4 है सेम भाई ये तो मेरे को रहने दो, बंद कर दी एसी। एसी आप बंद कर, ऑन हुआ है भाई, इंजीनियर बन रहे हैं गाड़ी में भाई। भाई एक बिल्कुल स्लिप काट जा रही है इनोवा, तो धक्का पक्का देकर निकल गया। अब यार देखे कैसे निकले, नाम किया फॉर्च्यूनर, बेइज्जती बेइज्जती मोटी बेइज्जती, नाम किया फॉर्च्यूनर बस। ये ऑटोमेटिक जो फॉर्च्यूनर गाड़ी ना ये बेकार है, सही बिल्कुल ही बेकार है सर। सही सही, थोड़ा धक्का लगो ले भैया, पहली बार हैवी ड्राइवर उतार दियो, ड्राइवर का उतार दियो भाई, तू उतार दिया भाई, तू फेल है। स्नो ड्राइवर एक्सपर्ट है भाई, ये स्नो ड्राइवर एक्सपर्ट है भाई, यही निकाल सके हमारे लोकल। इनका रोज का काम है भाई, इनका रोज का काम है। देख लेना क्या, देख लेना पकड़ना भाई। ओ कुछ भैया वो कजो है, कजो लाई गई वो बाबू है भाई, तो जोश में है भाई, जोश में है वो, जोश नहीं ये जोश होता है थोड़ा है। बोलू रण दे नहीं निकली तो मरने दे, कजो लाई नहीं है एडी मारने दे मरने भाई, भाई चल ओ लवा सर थोड़ा साइड में हो जाओ। नी निकलनी आई कदो सर आटो देखी रखे खा देख आगे लगा भाई, इतनी मेहनत करी यार। ले भाई भाई ने इतनी मेहनत करवाई पिछले बाने में यार, कतई फांस काट दी कतई यार, फांस काट दी इतनी अच्छी भली पीछे आ गई यार, गाड़ी चाबी ले ले देखी काम फॉर्च्यूनर पहली अल्लाह मिली दीख है, मजा ही ले रहा पीछे ले। अब फिर से धक्का लगाओ वाले को तेज इतनी स्पीड में खींच के मैटर।
गाड़ी चला को फिर नीचे देख लेंगे भाई। हाँ जान दे भाई, जान दे जान दे। गुड़ भाई गुड़ भाई वाह। फोन के पावर चल देंगे बार नीचे दस के देख ना मिलो भाई। बंद कर दो तू गाड़ी यार, बंद कर दे भाई, बंद कर दे यार। अंदर होना ठीक है सर, भाई बंद कर दे गाड़ी क्या कह दी तूने? कोई ना भाई, ऐसा नहीं होता भाई, बुद्धि कर रहा थोड़ी सी, कोई बात नहीं। हरियाणा के बंदे, मेरे जीजू भी हरियाणा के हैं, रोहतक के, ठीक है। अरे मेरे को मत सिखा तू गाड़ी सिखाना। अरे कोई नहीं भाई, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? कोई भाई बोलने का एक ढंग होता है। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, समझ रहा हूँ। कहा कह दी तेने आते सुनो कहीं मैंने अब ईगो पे ले आगो, देखता हूँ सुबह कैसे निकलती भाई बाहर आ गए ना। हां जी, आके बुला लेना यूजू, बैठो गाड़ी में, होटल में। कौन है? मोहित है भाई, सो रहा हूं, सिर्फ दर्द है। रो कहीं है कहां से दर्द है? रो ले अभी इनोवा लगे, अब ले लो यहाँ, तुम खा लोगे, अब खा लो, कहा खाओ, तू खड़ी कर दे, छोड़ यूएस कह रहा हूँ ना। अगर एक मिनट गाड़ी में बैठी हूँ, वीडियो ही बंद कर लो, वीडियो चालू करते रहेगो। चलो भाई डिनर करते हैं 7:15 पे भाई। अब गुड मॉर्निंग है सभी को भाई साहब, आप क्या प्लान आज का? आज सोलंग वैली साइड चलते हैं भाई। चलो भाई, अटल टनल पार कर सकते, खुल रही होगी, देख लेंगे। हाँ अपना सेफ लगेगा तो जितना आगे जाएगा उतने आगे चल देंगे। बाहर तो बहुत तेज धूप हो रही है यार। तो भाई गुड मॉर्निंग भाई, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई स्नोफॉल होगी, कुछ भी होगा। अब पीछे सूरज देवता देख सकते हो कितनी बहुत जोरों शोरों से अपना पड़ रहे हैं। तो भाई स्नोफॉल के कोई भी आसार हमको दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। बस अब ये है कि भैया अपनी गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि रात में आपने देखा निकल तो पाई नहीं थी भाई। क्या कर रहे हो आप? व्यू दिखाओ एक बार कैमरा मैन उठ के भाई, हमारे ये रूम से व्यू देखो कितना खतरनाक है, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है भाई ये, सस्ती रूम भी दिखा दो भाई एक बार, लोकेशन भी अच्छी है। अरे एक सेकंड में दिखा के आगे बाद दिखा अच्छे से दिखा ना, बोल की ऐसे ऐसे भाई देखो कितना अच्छा रूम है। अरे अभी इतना अंदर की ना घुसनो भाई, अभी 2-4 दिन पहले इतनी स्नो पड़ी है, देखना चेयर फेयर सब ढकी पड़ी है, ऊपर तक इतनी बर्फ जमी पड़ी है। अरे ऊपर से बारिश सी होती रहती टप टप टप, और ये टूट के गिर जाता है भाई, बढ़ाक देसी ना भीतर तक आ जाता है, टांट वाट फूट जाएगी, सॉलिड बर्फ सी बन जाती है ये देखो, और फिसलन और इतनी भयंकर होती है बहुत ज्यादा। पैर गए दोनों संदीप भाई, आओ ना बाहर, पर चल रहे आ जा, चल तो यहाँ तक कर ले, आ यहाँ से चल देंगे यार यहाँ से। चलो भाई अब रात को तो ये निकली नहीं थी, अब जरा टेस्ट करते हैं कि ये निकलती है नहीं निकलती। वैसे भाई पता नहीं बर्फ़ सी फोड़ तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रात में तो आपने देखा कि ऐसा मंजर था। अब हम रेडी शेडी होके जा रहे हैं, यही भाई साहब थे शायद, है ना? आप ही थे भाई जो रात को कह रहे थे नहीं निकलेगी, है ना? अब निकाल दो भाई साहब, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे, अब निकाल देंगे भाई हमारे, भाई हमारे बहुत अच्छे हैं भाई, दिल के बहुत अच्छे बंदे हैं भाई। अब नहीं होगी भाई साहब स्नोफॉल? अभी बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? कितने दिन तक? नवंबर तक भाई बता रहे, भाई नवंबर तक अब स्नोफॉल ही नहीं होगी, तो मनाली भाई बताओ भाई, जो भाई एडवेंचर ले आना चाह रहे थे बताओ। अब ये इनोवा है भाई, आए ओड़ी देखो कितनी भाई पूरी धसी पड़ी है इसमें, और अब तो पत्थर और बन गए, कैसे हटाएंगे इन्हें, ये फावरे खुरबेन थे, देखना नीचे है बर्फ की कोई चीज है बर्फ भी। भाई आप एक हकीकत बात बताऊं, ये बर्फ ना वीडियो फोटो में अच्छी लगे, यहाँ तो ना अगर पाँव वाम चले जाए ऐसे बुरी हालत है जाए। और आपको पता है यार चप्पल लवर्स हम जूते कहीं पहनते ही नहीं, ऐसा नहीं हम जूते पहन नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, बट भाई वो आलस आता है, कौन जुड़ रहा है। एक कमेंट भी तो आ रहा था क्या कि अरुण भाई एक ही चप्पल में पूरा इंडिया नाप दी, अब तो जूते ले लो। कोई बात नहीं भैया, गरीब आदमी सब भाई एक एक रुपए भेजो तब मैं जूते खरीदूंगा, जॉर्डन जल्दी भेजो भाई। ओके, और यूपीआई का लिंक डाल देना। ओके ब्रो, लाइक करें भाई। रूम काफी अच्छा था हमारा, यहाँ पे स्टे बन गया भैया, वो 5700 रुपये का, 5700 रुपीज। ये देखो भाई थोड़ा लिटरल महंगा पड़ गया, मनाली थोड़ा एक्सपेंसिव तो हो जाता है भाई, जब स्नो वनो पड़ जाती है ना, जब टूरिस्ट का टाइम आता है, पर चलो भाई 5700 कितना ये लो, 2300 रुपया खाने का हुआ, 3400 रूम का हुआ।
1600 का हीटर अलग। भाई देखो दिन में भी कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है गाड़ियों को, रात को तो कह रहे भाई है कि अब ना इसे बर्फ पिघल जाएगी दोपहर में, और ये जब भी ना हो रही भाई धक्का। क्या देख लिया आपने? 45-50 लाख रुपए खर्च करके भी 4x4 के बिना मजा नहीं। सही बात है। ये यू कौन लिख गया गाड़ी पे? यू कहा है? कौन कहा लिख जाए जन तन्नू पन्नू। भाई देखो निकल गई है तो। चलो संदीप भाई करो मेहनत, स्टार्ट तो हो जाएगी। देखो चाबी किसमें? और गाइस देखते हैं एक बार में स्टार्ट होती नहीं होती गाड़ी। टोयोटा भाई सबसे बड़ा नुकसान 4x2 लाने का पहाड़ों पे ही है। करेगा कच कार्रवाई सी कर ना आगे जा रही ना जानता आपको ड्राइवर चेंज। संदीप भूल को ड्राइविंग घने दिन हो गए ना इसको मेरे कॉन्टेक्ट में आया वो भाई। अरे बरार ये मौसम आ गई ना काइप काइप कर रहा है यू नॉर्मल मोड पे। नॉर्मल मोड पे चलो आगे तो लेगा मौसम बना के। कल रात के भी तो भाई मौसम बना रहा हो ये कहीं इधर उधर मत दे दी सब पत्थर पत्थर में भाई। आप उस साइड से लो भाई कह रहे भाई यही 8 साल से यही खेल रहे भाई है भाई ले जा ले जा ले जा भाई ड्राइवर है भाई संदीप ड्राइवर है भाई जानते धक्का। अरे 4x4 हो ना सरकाई की सुननी ना पर है आमा का यहाँ पे आमे भी 4 लाख रुपए ऊपर के काम क्यों जो संभाल लियो अब यू ला भाई खेच के ओ आराम से कर रहे हल्के आते चल भाई ये बना रहा है ये पेड़ से डाल रहा है ट्रैक्शन के गई 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 मोई जान दे गई मोई गई जान दे मोई जान दे जान दे आराम से जा चल सीसा खोल थोड़ा धक्का लगा ले इसे अब भी भैया धक्का तो ही निकली है कसम से। अब आप यही एक्सपर्ट ड्राइवर हो जी हम बाला के नूबड़े बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस साहब का। चलो भाई चला आराम से घूमे फिरे ऐश करे यार क्या लेना जिंदगी में भाई भाई तो ड्राइवर मानोगे कसम से गुरु तो ड्राइवर ये छोरा हम तो नहीं जाने करे पल पल को बदमाश है। अब बिग प्रॉब्लम एक और यहाँ मैं ले ना सके अभी यहाँ यार ऊपर आ गए हम घनी ज्यादा ओल्ड मनाली में फिर फंस जाएगी और निकल जाने नहीं नहीं तो सही अरे यार लोकल टैक्सी ड्राइवर है ये एक्सपर्ट सही कह रहे चल 4x2 है जबी तो दिक्कत हो रही है फंस रही है इसमें ऐसे लग रहे ना वो पीछे जिप्सी भी है अंदर ही कर लो आप अंदर कर लो वेट भी बढ़ गया ना आ जाएगी आराम से नहीं तो धक्का मरवा देंगे कोई चक्कर नहीं अंदर ही कर लो आप एंडेवर लानी थी वो मस्त थी यार सीधा रखता है ले फिर बैठेगी चल उसे धक्का मारो भाई वीडियो बनाते हैं हम वीडियो वीडियोग्राफर हम शादी ब्याहों में बनाते हैं जो मना लिया के पहली बार तो इधर भी बना लेते हैं। चलो भाई भाई धक्के से देखो कैसे मजाक हो मतलब वो होता है धक्के से ही काम होता है इधर मनाली में लगाओ चलो ओ स्नोफॉल होने लगी रे ओए सुनो अरे ना पेड़न अरे सही कह रहा हूँ तो पेड़न तो झर रही है धक्का मारू भाई मार देता हूँ भाई ले 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 बाड़ी ये अब कहाँ जाएगी अब कहाँ जान दे ए गई ए ले ले ओ
आयू कहाँ है? ओ भाई ये क्या है? What is this? वो कहाँ? भाई यार ऐसा लगी कोई तूफान से आ गो हम मरे हम तो पूरे व्यायाम में देखना लगता हूँ मैं। ओके 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 चलो जी सरकार तैयार है। ओके थैंक यू अंकल टाटा बाय बाय गुड लक गुड लक। और तुमने देखी अभी कैसा तूफान सा आया भैया बाज की लड़ाई। हाँ लो भैया आ गया गाड़ी अब यहाँ ना निकलने की रास्ता लो कितना मस्त है यार पर यार दिक्कत रास्तों की है पीछे करनी पड़ेगी भाई क्योंकि हमेशा पहाड़ों में ना नीचे से आने वाले को रास्ता दिया जाता है ऊपर से आने वाले की इज्जत थोड़ी कम रहती है मार्केट में पर यार यहाँ टम्पू तक आ जाते हैं बड़े प्यार से। भाई देखो कैसे ट्रैफिक लग जाता है इधर देखना कितना जाम लग गया। अब जब क्लियर होगा मैटर तब देखेंगे कुछ। भैया देखो भैया हमें तुम्हारे भाई मिले सब्सक्राइबर भाई भाई गाड़ी भी ठुकती होंगी यहाँ तो पट 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 जब स्नोफॉल होती होगी है ना ब्लैक आइस सबसे खतरनाक रहता है। हाँ भाई तो देखना अभी कितनी दिक्कत हो रही है स्नोफॉल के टाइम पर तो क्या ही हाल होता होगा। देखो फ्रंट व्हील ड्राइव कैसे चक्कबेरी काट रही फाइनली फाइनली हम दोबारा ना हर जगह की इतनी छोटी ज़्यादा जल्दी रहे। चलो भैया निकलो ऑटो निकलेगा पहले ऑटो को प्रायोरिटी दी जाती है। चलो यार निकलना यहाँ से निकल जाना भाई हम तो गंगा जी से नहा लेंगे यहाँ तो परेशान है कि यार ऊपर आके नीचे के रूम वूम ले लेते ना भाई वो मच बेटर रहेगा यहाँ खामा खाएंगे जान का हर मोहित भाई का ये वही इनोवा है तो पंजाबी भाइयों के पी टेन लुधियाना सही है भाई अब इनके पीछे लगा लो सही है भाई अब चलो इनके पीछे लगा लो। चलो भाई हाँ जी भाई साहब ठंड में यार वो खेल रहे हैं क्या यूनस के बोले पर भाई मनाली में ये चीज़ बढ़िया है अपना बढ़िया खाने का आज मिला है डोमिनोज फोमिनोज रात को तो ऐसा ही होता है। भाई आप चल दिए आगे की तरफ देखो ढाई बजे जा रहे हैं यार इतनी देर में फ्री हुए हम क्या करें खाने पीने लग गए पहाड़ देखना है कितना बढ़िया लग रहा है पर बहुत दूर होगा ये पहाड़। तो भाई जैसा आपने देखा था हमने वहाँ पे टंकी फुल करवाई थी पहले पार्ट में और अब यहाँ पे मनाली में आके ख़त्म हो गया है भाई बिल्कुल नील हो गई है। तो भाई फॉर्चुनर की माइलेज तो ना एक टंकी में 600-650 चलती है किया वगैरह होती तो अपने 1000 नाप देती है। अब इसमें दोबारा से फुल करवा रहे हैं और ये लगने वाला है ऑटो कट ये आवाज़ से आने लग जाती है ना 70 लीटर आएगा इसमें देख लेना आप 70 ये लगभग आ जाएगा। गाड़ी अच्छी है पर यार मज़ा आता है इसको ड्राइव करने पंजा दाबो और फील सी आ जाती है। लो भैया चले जाओ सिस्सू होटल टनल कंजेशन 27 मिनट। अरे भाई ये क्या सीन है जाम ही जाम जाम ही जाम कहाँ चक्कर है पीक सीजन में आने की भी दिक्कत है जाम बहुत रहे हैं। भाई क्या पूछना चाह रहे हो कितना जाम है भाई ऊपर ये 2-2.5 घंटे लग जाएंगे जाने में। अच्छा 2-2.5 घंटे जाने में लग जाएंगे ठीक है बड़े भाई ये भी काफ़ी गुड हो गया। भाई देखना जाम तो बहुत है कोई नहीं ओटेंगे क्या करें जिप्सी कैसे पलटी पर ये भाई इसके ओनर को इसकी टेंशन ही नहीं है क्या। भाई अब हमने वहाँ उल्टी मोल ली यार बहुत ही लंबा जाम था भाई तो हमारे मोहित ओलियान भाई पलवल के बदमाश जी ने हमको सजेस्ट किया है भाई खीर खाने चलते हैं। कहाँ पे भाई साहब आप अपने मुख से बताओ खीर गंगा भाई ये यहाँ से 3 घंटे 28 मिनट दूर और टेम्परेचर देखा -22 डिग्री मतलब मेरे को भरोसा सा नहीं हो रहा कि यार 100 किलोमीटर दूर मनाली से ऐसा क्या है। तो वहाँ वहाँ हम कभी गए भी ना है वहाँ सिस्सू विस्सू तो कीलोंग वगैरह बहुत अल्लाह जा लिए -22 सही रहेगा भाई खीर गंगा नहीं हो रहा नहीं होगा भाई इतना देख दरवाजे कैसे खुले देख ऐसा मस्त है और 10 इंच की स्क्रीन है इस बार बड़ी।